हाय दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और इस वक्त मैं हूँ जबरदस्त रेस्टोरेंट में। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, बॉलीवुड रेस्टोरेंट। और भैया देखो, बॉलीवुड के आ जाओ, दिखाओ कैसे कैसे महान महान कलाकारों के फोटो यहाँ पर लगे हैं। देव साहब, देव आनंद, हमेशा एवर ग्रीन रहने वाले, एवर ग्रीन, हमेशा हर वक्त पैसा कमाते रहे, हाँ, क्योंकि टॉप पर रहे हमेशा और सदा बाहर रहे। तो देखिए, मतलब इस आउटडोर में भी, रेस्टोरेंट में भी उनका जलवा है। देव साहब हमेशा हिलते रहते हैं, हम अपने स्टाइल से सबको उन्होंने हीलिंग कर रखी थी, उनके स्टाइल से सबको खुशी मिलती थी, आनंद देते थे। देव आनंद थे इसलिए वो हिलते थे ताकि हमको हीलिंग मिले, और रहते भी थे वो पाली हिल पे। जवानी में हिलने का स्टाइल उन्होंने इसलिए बना दिया ताकि बुढ़ापे में हिलते हुए लोगों को ये ना लगे कि बुढ़ापे की वजह से हिल रहे हैं, जवानी में स्टाइल की वजह से हिल कर लोगों को लगे ये स्टाइल है। हमारी मीना आपा, मीना कुमारी जी, आपको ये फोटो देख के क्या लग रहा है? मीना आपा तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मीना आपा चलते जी हाँ, हमारी इंडस्ट्री की सुपरस्टार मीना आपा, ट्रेजेडी क्वीन जिसे कहते हैं भैया। मतलब ये समझ लीजिए कि इनको देख के फिल्म है ना याद आती है जिसमें उन्होंने डांस किया था, हाँ भैया। और राजकुमार साहब देख रहे हैं जिन्होंने इनको डायलॉग भी बोला था कि तुम्हारे पांव देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर न रखो मैले हो जाएंगे। और हमारी इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन सुपरस्टार मधुबाला जी, मधुबाला मतलब देखिए आप शक्ल से ही लगता है कि खूबसूरत एवर यंग मधुबाला। और देखिए ट्रेजेडी कैसी कि यंग उम्र में ही वो हमें छोड़ के चली गई। मतलब इनका ये जीवन में हमेशा मोटो रहा है कि हमेशा यंग रहेगी, एवर यंग। मधुबाला जी लव यू। ए बाबू मशा ठीक से दिखा दे, राजेश खन्ना जिनका फैन है, नन्ना हो या अन्ना, राजेश खन्ना साहब के बारे में मैं ये कहूँगा इंडस्ट्री के नंबर वन सुपरस्टार, काका, हमारे काका। और हमारे मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी सफलता के बारे में लोग कहते थे कि नीचे काका ऊपर आका आ जाओ। और ये हमारी खूबसूरत वहीदा रहमान जी है ना जी, हाँ वहीदा रहमान जी, प्यासा फिल्म, गुरुदत्त साहब जो है ना वो इनको बहुत पसंद करते थे, काफ़ी फिल्में बनाई इन्होंने। और इंडस्ट्री की सुपर ब्यूटीफुल वहीदा रहमान जी। और अब यहाँ पर आ जाओ भैया, वाह वाह, जिनके फैन है देवेंद्र और नरेंद्र, ऐसे सुपरस्टार का नाम है धर्मेंद्र। मित्रा मेरे धर्मेंद्र को देखो और बाजू में हेमा जी को देखो, हेमा जी धर्म जी, मतलब ये समझ लीजिए कि एक वाइज शख्स है जो दुनिया में पत्नी से नहीं डरता, माँ के सामने पत्नी की तारीफ और पत्नी के सामने माँ की तारीफ करने से नहीं डरता, सिर्फ उन्हें इतना कहना होता है हेमा तुझे सलाम, हेमा भी खुश और माँ भी खुश। हेमा जी ग्रेट, और देवियों सज्जनो कौन बनेगा ऐश्वर्य का पति? मेरा बेटा बनेगा अभिषेक बच्चन, देखे साथ बच्चन, अभिषेक बच्चन के फादर हमारे अमिताभ बच्चन साहब सुपरस्टार हैं, बिग बी सुपर, ये भी इस रेस्टोरेंट में अपने फोटो के जरिए चहकते महकते रहते हैं। और रेखा जी के बारे में क्या कहूँ, रेखा जी सुपरस्टार नंबर वन है ना, जबरदस्त। अभी हाल ही में जब 2000 के नोट वापस लेने के चक्कर में मामला गड़बड़ हुआ था तो लोग बैंक में लगे हुए थे, हमारी बच्चन साहब भी लाइन में लगे थे, और लाइन में लगे थे तभी उनकी जया जी का फोन आ गया, बोले आप लाइन में नहीं लगेंगे, वापस आइए आपको मेरी कसम। तो बोले यार मुझे लाइन में लगा हूँ, मेरा नंबर आने वाला, मुझे क्यों वापस बुला रही है, प्लीज़ वापस में आइए, लाइन में मन ना लगे आपको मेरी कसम। क्यों? बोले अभी भी मुझे बॉलीवुड से फ़ोन आया था, बॉलीवुड रेस्टोरेंट से, और सैंडी ने मुझे समझाया कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, और हम नहीं चाहते कि रेखा के लफड़े में आप दोबारा पढ़ो और हम गरीबी रेखा में आ जाए। तो रेखा संभालो अपना, ठीक है। जो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते, कहते सुनीता है मेरा खुदा,
दिलो जान से चाहो। सुनीता अर्जुन की पत्नी उनका खुदा है, जब भी वो पुकारती है बहुत जाते बेचारे अनिल कपूर देना दिल था वाले हाय हाय हाय। देवियों की देवी श्री देवी, बिहार में राबड़ी देवी, जंगलों में बुलंद देवी और बॉलीवुड में श्री देवी, चर्चा ही चर्चा रहा। ये देवी हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम कलाकारों पे, क्योंकि कला की देवी, आर्ट की देवी, एक्टिंग की देवी, दबाना ना देवी श्री देवी। बाबा जुड़ो क्या बोलो बिड़ो सब सब लोग ठीक है बाबा बिड़ो बिड़ो काम अच्छा करने का बिड़ू यार काम घर दो लेने का बिड़ू पेड़ लगाने का बिड़ू गरीब लोगों को मदद करने का बेड़ू। एक बार अपन जंगल में गए थे बेड़ू पूरा बॉलीवुड भाग गया शेर के सामने, अपन टिके रहे बाबू क्यों, क्योंकि शेर जो टाइगर है टाइगर का अपन बाप है टाइगर का। माधुरी दीक्षित आए हाय 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 90s की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित, जिन्होंने धक 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 सारे हिंदुस्तान के दिलों को धक धक किया था और फिर शादी भी कर ली हार्ट स्पेशलिस्ट की, मामला गड़बड़ ना हो। लास्ट इनकी फिल्म नहीं चली थी, फिल्म का नाम था आजा ना चले, कैसी चलती फिल्म की हीरोइन खुद ही कह रही है ना चले तो नहीं चली। माधुरी दीक्षित हम आपके चेले हैं, आप एक्टिंग हमें सिखाते रहे और हमें करते रहे शिक्षित। थैंक यू माधुरी दीक्षित। और भैया अब द लास्ट हमारे किंग खान हमारे शाहरुख खान, मतलब ये समझ लीजिए कि हम जाते हैं माहरुख जहाँ की जाता शाहरुख। शाहरुख साहब के बारे में क्या कहूँ, पठान फिल्म सुपर हिट हुई है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा है ना, रेड चिली लगी हुई काफ़ी लोगों को रेड चिली, डोंट वरी शाहरुख साहब ने कहा अरे अजीत जी को रेड चिली लगी है उनके लिए मलम ला रहा हूँ, उसका नाम है पठान जली काजोल है, 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 है? हमारे अजय देवगन साहब की पत्नी और शाहरुख साहब की हीरोइन, इनकी रियल हीरोइन तो अजय साहब की रियल हीरोइन काजोल सुपर हिट है, पता नहीं क्या झोल है काजोल है। हाँ 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 अरे यार आमिर खान का लगान का वर्ल्ड टूर में मैं भी गया था, बड़ा शो अच्छा, देश विदेश में शो करने गया था, दिल चाहता था कि फिल्म देखते रहे। आमिर खान चलते रहेंगे कयामत से कयामत तक चलते रहेंगे, यही इतने बड़े कलाकार हैं आमिर खान। ओए होए होए ऐश्वर्य हाय 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 वाह अभिषेक बच्चन साहब देखिए हैं ऐश्वर्य राय के बारे में आपकी क्या है राय, वो भी यहाँ आती ही करती हाय बाय भैया। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक और कोना बचा है, कौन एक ये एक्टर ने अपना कोना बना रखा कोने कोपचे में करीना कपूर आय हाय 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 वाह वाह खूबसूरती से भरपूर करीना कपूर, जिनका फैन है अनिल कपूर और शाहिद कपूर, सलमान भाई हाय 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 हाय। लोग कहते हैं सलमान भाई की कोई टक्कर नहीं ले सकता, कैसे लेके भाई देखो टाइगर जिंदा है, यही है सलमान भाई। प्रियंका चोपड़ा फोटो यहाँ छोड़कर चली गई कहाँ, अमेरिका, खराब कैसा खोपड़ा, भारत वापस आओ, तुमने भारत फिल्म भी छोड़ दी और भारत भी छोड़ दी कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ आती रहो, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है पीसी आज के युवाओं का खास हार्ट ब्रेथ है हमारा रणबीर कपूर, वो भी यहाँ है। दीपिका पाडुकोन दीपिका पाडुकोन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा कपड़ों को लेकर घबराई रहती है, नहीं छोटे कपड़े नहीं होते अजीब कपड़े होते हैं, और उससे ज़्यादा अजीब होता है जब वो अजीब कपड़े उसके पति पहन लेते हैं रणवीर कपूर, और पहन लेते हैं रणवीर भाग जाते हैं। 83 में कपिल देव का रोल उन्होंने किया था, क्योंकि कपिल देव भी रणवीर है, रण इतने बनाए थे उन्होंने कि वो रणवीर है और रणवीर का रोल यही कर सकते हैं। तो भैया ये पूरे बॉलीवुड रेस्टोरेंट को मुझे देखने का मौका मिला, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे लगता है कि थैंक यू वेरी मच बॉलीवुड जिंदाबाद लव यू।